सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद शोभिक चैनल को और सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए हर वक्त जो है वीडियो नोटिफिकेशन लेके आता रहता हूँ मेरे इस चैनल पे, जहाँ पे रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के साथ साथ प्राइवेट जॉब वैकेंसी के वीडियो भी यहाँ पे अपलोड होता है। तो अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और भी कुछ जानकारी के लिए कमेंट करना मत भूलिए। अगर आप इन लोगों को इस वीडियो को पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इस बार के जो जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आ चुका हूँ डीमार्ट कंपनी की तरफ से। डीमार्ट जो कि एक होलसेल सुपर मार्केट है जो कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे स्टोर इसका अवेलेबल है, जहाँ पर इस बार के लिए बहुत सारे कैंडिडेट हायर हो रहा है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। तो किस तरह से एप्लीकेशन करना है, क्या क्या वैकेंसी निकला हुआ है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आप लोगों को डिटेल्स में बताएंगे। उससे पहले आप सभी लोगों के पास रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो डीमार्ट की तरफ से बहुत सारे वैकेंसी जो है इस पर निकला हुआ है, जहाँ पर मेल फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो, जहाँ पर सेल्समैन, कैरियर हेल्पर, कैशियर, इसके साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड, मैनेजर, बहुत सारे पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल होता है। 18 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। मैक्सिमम जो एज लिमिट यहाँ पे नहीं बताया दिया गया है, इसीलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप डिमांड में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मिनिमम जो है 18 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 10th 12th पास होने के बाद ही आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो, इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं मांगता है। तो दोस्तों चलिए इसका क्या क्या रिसेंट क्या क्या वैकेंसी निकला हुआ है उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो रिसेंट जो एप्लीकेशन करना है और जो जो वैकेंसी निकला हुआ है उसके लिए आप अगर आप चेक करना चाहते हो तो उसके लिए नीचे दिया हुआ लिंक को क्लिक करके आप लोगों को इस पेज में आना होगा, जहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे और एक पेज जो है ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को उस पेज में जाके आपको जो है जितनी भी वैकेंसीज निकला हुआ है आपको वहाँ पे जाके देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 55 जॉब अपॉर्चुनिटी इस बार निकला हुआ है, 55 जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि ऑल ओवर इंडिया में रहेगा। तो इसके लिए अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो यहाँ पे आप लोगों को किस तरह से करना है उससे पहले आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकला हुआ है, बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों को नेक्स्ट पेज कर करके यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि कहाँ पे क्या जॉब वैकेंसी निकला हुआ है और क्या पोस्ट निकला है जिसके लिए आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए पहले जो है जॉब सिलेक्ट करना होगा, कोई भी एक पोस्ट आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट के बाद आपको क्या करना होगा, वहाँ पे आपको देख के उस जॉब के अंदर आपको देखना होगा कि क्या क्या पोस्ट यहाँ पे जो डिटेल्स दिया गया है, क्योंकि आपको यहाँ पे पहले आपको चेक करना होगा उस पोस्ट के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट दिया गया है कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पे पहले आपको ये सारे जो है चेक करना होगा, चेक करने के बाद आप लोगों को सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस जॉब जो है महाराष्ट्र मुंबई में रहेगा फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। इस पोस्ट के लिए अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद एक नया अकाउंट यहाँ पे ओपन करना होगा, क्रिएट करना होगा, जहाँ पे आपको आपका ईमेल एड्रेस, आपका पासवर्ड, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम देके क्रिएट करना होगा। देन आप लोगों को जो जॉब एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली एक रिज्यूम के थ्रू आपको सिलेक्ट करना सबमिशन एप्लीकेशन सबमिट करना होगा और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर एप्लीकेशन करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस भी आपको नहीं लगेगा। तो आप लोग जल्दी से एप्लीकेशन कर सकते हो, बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन करके आपके जॉब जो है पढ़ सकते हो। यहाँ पे इंटरव्यू के थ्रू अलावा कुछ भी यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।